दोस्तों आज हम प्रो कबड्डी के ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रो कबड्डी की शुरुआत में कबड्डी के स्टार हुआ करते थे, लेकिन आज उनको कोई नहीं जानता है। उनके बारे में सभी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहता हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते तो जल्दी जाकर लाइक कर दो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल चौधरी के बारे में। राहुल चौधरी प्रो कबड्डी 2014 से खेल रहे हैं और यह प्रो कबड्डी में अपने करियर में स्टाइल सहभाव के कारण फेमस हुए थे। पिछले 6 सीजन में तमिल थलाई वाज की ओर से खेले और 2 सीजन पुनेरी पल्टन के साथ खेले हैं और सीजन 9 में जयपुर के साथ ट्रॉफी जीती हैं। और यह प्रो कबड्डी में सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाने वाले के तीसरे स्थान पर हैं और इन्होंने 1039 पॉइंट बनाए हैं। नंबर 2 पे हैं रण सिंह। ऑलराउंडर रण सिंह अभी तक सभी सीजन में प्रो कबड्डी के हिस्सा रहे हैं। प्रो कबड्डी में अपने करियर की शुरुआत जयपुर की टीम के साथ की थी। 2014 में उद्घाटन के सीजन में अपना पहला प्रो कबड्डी खिताब जीता था। सीजन 4 तक जयपुर की टीम के महत्वपूर्ण हिस्सा थे और इन्होंने अपने प्रो कबड्डी करियर में 104 रेड पॉइंट और 274 टेकल पॉइंट बनाए हैं। नंबर 3 पे हैं गिरीश मारुति। गिरीश ने अपने प्रो कबड्डी करियर की शुरुआत पटना के साथ की थी। पुरानी पल्टन से चुनने से पहले बंगाल की टीम ने बाई कॉर्नर में सीजन 3 और 4 के लिए खेले थे और 5 से 7 पुरानी पल्टन के साथ और 8वें सीजन में गुजरात की टीम के साथ और पिछले वापस सीजन में 9 में वापस बंगाल की टीम के साथ देखने को मिले और उन्होंने टोटल टेकल पॉइंट 259 पॉइंट किए हैं। प्रो कबड्डी के 4थे स्थान पर हैं। नंबर 4 पे हैं संदीप नरवाल। 2014 से 2022 तक संदीप नरवाल ने अलग अलग टीमों से खेले हैं। इन्होंने पटना पायरेट के साथ शुरुआत की थी, सीजन 3 में ट्रॉफी जीतने में मदद की थी। बाद में सीजन में तेलंगु टाइटस, पुनेरी पल्टन, बुम्बा, दबंग दिल्ली और यूपी योद्धा के साथ भी खेल को कबड्डी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से एक माना जाता है और इन्होंने 360 टेकल पॉइंट बनाए हैं। नंबर 5 पे हैं विशाल माने। इन्होंने शुरुआत यू बुम्बा के साथ की। पहले सीजन में वह टीम के सबसे मजबूत डिफेंडर थे। जब यू बुम्बा ने सीजन 2 में खिताब भी जीता तब इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीजन 8 और 9 में बंगाल की टीम से खेले थे और सीजन 2 में वापस यू बुम्बा के साथ खेलने को दिख सकते हैं। विशाल को फाइनल विशेष भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने प्रो कबड्डी में 5 फाइनल खेले हैं और प्रो कबड्डी के इतिहास में सबसे ज़्यादा फाइनल मैच खेले हैं। नंबर 6 पे हैं सुकेश हेगड़े। सुकेश ने अपने करियर की शुरुआत सीजन 1 में तेलंगु की टीम के साथ की थी। इन्होंने एक सीजन में गुजरात के साथ कप्तान के रूप में भी खेले थे और इन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुँचाया था। सुकेश ने अपने प्रो कबड्डी करियर में अब 471 रेड पॉइंट बनाए हैं। नंबर 7 पे हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार ने पिछले कुछ सालों में 6 टीमों के साथ खेला है। इन्होंने शुरुआत में तेलंगु के साथ की थी, सीजन 5 से पहले हरियाणा और सीजन 6 में यूपी योद्धा की ओर से जाने से पहले 4 में दबंग दिल्ली की ओर से खेले हैं और अब तक इन्होंने 123 मैच खेले हैं और इन्होंने 500 रेड पॉइंट बनाए हैं। लास्ट खिलाड़ी रविंदर अनुभवी राइट कॉर्नर। रविंदर अभी तक 5 पीकेएल टीमों के साथ खेल चुके हैं। वह पहले सीजन में दबंग दिल्ली के साथ हिस्सा थे। इन्होंने पुरानी पल्टन, बेंगलुरु, गुजरात के साथ भी खेले हैं। सीजन 9 में वापस दबंग दिल्ली की ओर से खेले हैं। रविंद्र ने अपने करियर में अब तक 339 टैकल पॉइंट बनाए हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना। अगर अभी तक आपने चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो।